गुरुवार को ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने खुद अपने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिसके बाद बीजेपी के नेता ने उन्हें घेर लिया। आइए बताते हैं आपको क्या कुछ कहा बीजेपी के नेताओं ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वह सरकार को ठीक से चला पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनका इस्तीफा देना ही बेहतर होगा। केंद्रीय मंत्री का यह बयान आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर कोलकाता में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है। इससे पहले गुरुवार को ममता बनर्जी ने खुद अपना इस्तीफा देने की बात की थी। ममता बनर्जी के बारे में बोलते हुए जोशी ने कहा, उन्हें जाने दें क्योंकि वह सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, वह किसी को न्याय दिलवाने में सक्षम नहीं है, बेहतर है कि उन्हें चले जाना चाहिए। उन्होंने उनके हालिया बयान को भी राजनीति करार दिया। जोशी ने कहा, उन्होंने जो भी बयान दिया है वह सिर्फ एक नाटक है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान तब आया जब ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की कथित बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी ने कहा, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे पद की चिंता नहीं है, मैं पीड़िता के लिए न्याय चाहती हूँ, मुझे सिर्फ आम लोगों के सेहत की चिंता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता पीड़िता को न्याय और जनता को उचित स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराना चाहती है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने भी मुख्यमंत्री से पद छोड़ने को कहा। गांगुली ने कहा, चलिए कल के दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से स्वास्थ्य मंत्री के पद से भी इस्तीफा देने को कहा। इसी बीच बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी न्यायपालिका की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि जजों को धमकाया जा रहा है। दिलीप घोष ने कहा, डायमंड हार्बर में जजों को धमकाया जा रहा है, उन्हें उनके घरों में धमकाया जा रहा है। इससे पहले टीएमसी ने शिक्षकों और डॉक्टरों को भी डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।